क्या है, बाल वाटिका के उद्देश्य और बाल वाटिका का संचालन कैसे, बाल वाटिका संचालन हेतु आवश्यक तैयारी और बाल वाटिका के संचालन में शिक्षकों की भूमिका और बाल वाटिका और पाठ्य चर्चा पर कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए बालवाड़ी के तीन लक्ष्यों के बारे में बातचीत किया गया, जिसमें बताया गया कि पहला लक्ष्य बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली को बताए रखना, स्कूल सूक्ष्म और कई सारे टॉपिक से बात। दूसरा लक्ष्य है परिसर बनाना, आरंभिक पठन, आरंभिक लेख और बालवाड़ी प्रशिक्षण का जीवन दिवस प्राप्त करते रहेगा। दिनांक 5/8/2022 की शुक्रवार को बालवाड़ी प्रशिक्षण का जीवन दिवस का प्रारंभ सरस्वती माता की वंदना के साथ हुआ। 10/4/55 दिवस के प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण की मंत्री सचिव प्रिया तिवारी जी के द्वारा किया गया। उन्होंने बालवाड़ी के संचालन के संबंध में पिछले मुख्य बिंदुओं पर बातें की, उनका प्रस्तुतिकरण किया। फिर हमारे मंडल के नरों के द्वारा प्रशिक्षण को आगे बढ़ाते हुए मुख्य बालवाड़ी के मुख्य तीन लक्ष्यों के बारे में बताया गया, जो निम्नलिखित है, बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली को बनाए रखना, बच्चों को प्रभावशाली संप्रेषण देना, बच्चों को सीखने के प्रति उत्साहित करना तथा उसे अपने आस पास के वातावरण परिवेश से जोड़ना। इसके अनुसार सभी शिक्षकों को समूह में विभाजन किया गया। प्रत्येक समूह को गतिविधि प्रस्तुतिकरण के लिए विषय दिया गया। गतिविधि प्रस्तुतिकरण में पहला समूह को गीत कविता, दूसरे समूह को कहानी, तीसरे समूह को खेल पर गतिविधि तैयार कर प्रस्तुतिकरण के लिए कहा गया। इसके बाद लंच हुआ। लंच के बाद सभी समूहों ने अपना अपना प्रस्तुतिकरण प्रकट किया। के प्रशिक्षण के तीसरे दिवस पर आज शिक्षकों को सूक्ष्म गतिनात्मक कौशलों के बारे में जानने के लिए गतिविधि कराने हेतु ग्रुप तैयार किया गया। इसमें आप देख सकते हैं एक ग्रुप को कागजों से कुछ निर्माण करने के लिए दिया गया है, दूसरे ग्रुप फूल और पत्तों के प्रयोग से कुछ चित्र और आकृतियां बनाने वाले हैं, और तीसरा ग्रुप चावल को लेकर कुछ आकृतियाँ बनाने वाले हैं। सभी शिक्षक काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे हैं। बच्चों ज्ञान इंद्रियों के बेहतर प्रयोग के लिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके देना, जिससे वे देखकर, सुनकर, चखकर हर प्रकार से अपनी समझ विकसित कर सकें। Yeah.
Okay.